नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस सिरप के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है यूट्रोल सिरप। यूट्रोल सिरप का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए जो वीडियो है आज हमने बनाई है। बात करेंगे यूट्रोल सिरप के बारे में, इसके होने वाले बेनिफिट के बारे में, क्या क्या आपको इसके लाभ मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी और क्या क्या इसके अंदर डले हुए कॉम्पोनेंट हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूट्रोल सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप लोग यूट्रोल सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ, जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा भी उठा सकें। बात करेंगे यूट्रोल सिरप के बारे में, तो ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यूट्रोल सिरप के फ़ायदों के बारे में, इस मेडिसिन के होने वाले बेनिफिट के बारे में, कि क्या क्या आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, किस किस रोग में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, यूट्रोल सिरप स्पेशली महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में कि महिलाएं किस किस रोग में इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, किस किस रोग में इसका यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को महावारी ज़्यादा होने की समस्या होती है, महावारी में अधिक से अधिक दर्द होता है उनको, या फिर खून अधिक आना, या फिर महावारी का रुक रुक कर आना, या फिर महीने में 2 से 3 बार महावारी आना। महावारी के दौरान ज़्यादा दर्द होना पेट में या कमर में, पेडू में, पेट में सूजन का होना, ये सारी समस्याओं में आप लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा देगा अगर आपको ये सब रोगों की दिक्कत है, ये सब दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पर अगर आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कॉम्पोनेंट के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें अंदर डली हुई हैं। दोस्तों, इसके अंदर अशोक छाल डली हुई है, कलौंजी के बीज डले हुए हैं, अजवायन फल डला हुआ है, पंचांग डला हुआ है, बांस पत्रा डला हुआ है, इसके अलावा घृत कुमारी डला हुआ है, गुदा पड़ा हुआ है, त्रिफला पड़ा हुआ है, सोया बीज पड़े हुए हैं, गाजर बीज पड़े हुए हैं, ये सारे कॉम्पोनेंट हैं। इसके अलावा और भी आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें मिलाई गई हैं, जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिनसे इसे बनाया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन औषधियाँ हैं ये, बहुत ही बेहतरीन आपको ये रिज़ल्ट देगा अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में, तो निडको कंपनी का बहुत ही शानदार और बेहतरीन ये प्रोडक्ट है, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो 90 रुपये में आपको ये 200 ml की बोतल कहीं से मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करेंगे तो दोस्तों, इसमें आपको 3 साल की एक्सपायरी मिल जाएगी। एक्सपायरी देखने के बाद ही हमेशा मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप एक्सपायर हुई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब दोस्तों, बात करेंगे इस सिरप को यूज़ करने का क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है, ताकि आपको इसके अधिक से अधिक फ़ायदे मिल सकें, अधिक से अधिक आप इसका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल 10 से 20 ml महावारी जब महिला की ख़त्म हो उसके 2 दिन के बाद से आपको इसका स्टार्ट करना है, और कम से कम 2 से 3 बोतल आपको ये पीनी है, यानी कि 1 से 2 मंथ आपको इसका इस्तेमाल करना है। महावारी के ख़त्म होने के 2 दिन बाद 10 से 20 ml सुबह, 20 ml शाम को आपको इसका सेवन करना है। बीच में बराबर मात्रा में आप इसका पानी मिला सकते हैं, सादा पानी उसके साथ आप इसे ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे परहेज के बारे में, कि किस किस चीज़ का आपको इसके साथ परहेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है जब भी आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसके साथ गर्म चीज़ों का सेवन आपको बंद करना है, साथ में तली चीज़ों का सेवन बंद करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मेडिसिन किसी और के भी काम आ सके, कोई और भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। हम इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड अलग अलग वीडियो डालते हैं हर रोज। अगर आप मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।